नागिन 5 का दी एंड हो चुका है और इसकी कहानी अब आगे बढ़ती नजर आ रही है नागिन फ्रेंचाइजी के स्पिन ऑफ शो कुछ तो है नागिन एक नए रूप में के साथ। तो आइए जल्द से एक क्विक रिव्यू में शो के फर्स्ट एपिसोड से जुड़ी आपको वो बातें बताते हैं जो आपने भी शो देखने के बाद महसूस की होंगी। और अगर आपने शो का पहला एपिसोड मिस कर दिया है तो इस वीडियो में हम आपको जल्दी से बताते हैं कि शो के पहले एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिला। और बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट एपिसोड की कहानी की। तो कहानी की शुरुआत काफी सुस्त अंदाज में हुई। कहानी की शुरुआत होती है 17 साल की प्रिया यानी कि कृष्णा मुखर्जी के साथ, जो एक आम लड़की नहीं बल्कि सुपर गर्ल है। अनाथालय के हेड विशाली ठक्कर एक कॉलेज वार्डन भी है और उन्हीं की देखरेख में प्रिया बचपन से पली बड़ी है। दुनिया वालों के आगे विशाली कॉलेज की हेड है, लेकिन पीछे से प्रिया की एडॉप्टेड मदर भी, जो उसका ख्याल रखती है और उसकी इकलौती परवाह करने वाले इंसान है। लेकिन प्रिया की मुसीबत उस वक्त बढ़ जाती है जब वो अपनी फ्रेंड को खुदकुशी करने से रोकने के लिए उसे बचाती बचाती कॉलेज की छत से गिर जाती है और उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर वहां खड़ा हर कोई हैरान रह जाता है कि एक आम लड़की कैसे इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बच गई। इसके बाद दुनिया वालों के सामने प्रिया की शक्तियों का खुलासा ना हो जाए, इस डर से प्रिया की माँ उसे कहीं दूर जाने को कहती है और उसे एक तस्वीर देती है जो उसके पैदा होने पर प्रिया के साथ ही थी। प्रिया उस तस्वीर को लेकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए मंसूरी चली जाती है और एक पीजी में रहने लगती है जहाँ उसके कुछ और नए दोस्त बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिहान यानी कि एक्टर हर्ष राजपूत मंसूरी के एक जाने माने परिवार का हिस्सा है, जिसकी स्मार्टनेस पर हर लड़की फिदा होती है। रिहान के घर आने पर उसके पेरेंट्स एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पूरे टाउन के लोग इन्वाइटेड है, जहाँ प्रिया भी पहुँचती है। रिहान फुल एटीट्यूड से भरा पर्सन है जिसे कोई इम्प्रेस नहीं कर सकता और किसी के बस की बात भी नहीं। रिहान रातों को घूमता है, अकेला रहता है और अपनी ही कंपनी एंजॉय करने वाला इंसान है, लेकिन बुराई जब हो तो वो एक खूंखार राक्षस बन जाता है और फिर उसकी प्यास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से बुझती है और वो है खून। बात की जाए स्टार्स की परफॉर्मेंस की तो दोनों ही स्टार्स की परफॉर्मेंस ऑडियंस पर वैसा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई जैसा कि नागिन 5 में वीर और बानी ने छोड़ा था। कृष्णा प्रिया के किरदार में बेहतरीन है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगा कि वो अपने किरदार को वैसा जस्टिफाई नहीं कर पाई जैसे सुरभि चांदना ने बानी बनकर किया। वहीं हर्ष को ऑडियंस पहले भी सुपरनेचुरल शो नजर में देख ही चुकी है, इसलिए ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस हर्ष से काफी ज्यादा हाई थी। कृष्णा और हर्ष का लुक भी काफी सिंपल है, लेकिन शो में काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। वही बात की जाए इसके म्यूजिक की तो शो के म्यूजिक में कोई नयापन नहीं दिखा। इसके अलावा शो में एक्शन और VFX हमेशा की तरह कमाल का है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शो का फर्स्ट एपिसोड एवरेज ही रहा, लेकिन अभी तो शो की शुरुआत ही हुई है और एक ही एपिसोड बीता है। उम्मीद है कि आने वाले वीकेंड में जैसे जैसे शो की कहानी आगे बढ़ेगी शो ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। वेल, आप बताइए कि अगर आपने शो का फर्स्ट एपिसोड देखा है तो आपको ये शो कैसा लगा? आप शो के फर्स्ट एपिसोड रिव्यू में क्या कुछ कहना चाहते हैं? शेयर कीजिए अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में।